इतनी रात गए, कहाँ गए थे आप? शूट चल रहा है, बेगम तैयार। समय नहीं मिला, फॉइल बलून नहीं मिला। ये बाबा ने हुरैन की मैक्सी संभाली हुई है गाइस। और यार हटो ना। गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो जी अभी अभी मैं आई हूँ पेपर देकर यूनिवर्सिटी से, और जस्ट मैं अभी मुँह शुद्ध होकर बैठी हूँ। शावर मैंने सुबह ही ले लिया था क्योंकि मुझे था कि यार यूनिवर्सिटी से आके हिम्मत नहीं होती, और वैसे ही हुआ, यूनिवर्सिटी से आके बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। यूनिवर्सिटी से आके बस दिल जाता है लेट जाओ, लिटरली दिल जाता है लेट जाओ। और जो जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट देख रहा होगा ना, उनको मेरी फीलिंग्स पता हैं। तो अभी सी सॉरी अभी बस यह है कि मैं नमाज़ पढ़ूंगी और फिर मैं सो जाऊँगी, मस्त सोऊंगी। तो ये पिज़्ज़ा मुझे रिसीव हुआ है पिज़्ज़ेरियन पिज़्ज़ा से, और ये बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा है। आई कांट इवन टेल यू गाइस, इसके अंदर एक्स्ट्रा टॉपिंग मैंने करवाई थी, उफ क्या मज़े का लगा। अच्छा आप बताओ, मामू आपको मारते हैं? बताओ मम्मा को, बताओ मम्मा को, बताओ मामू मारते हैं आपको? ये मोहब्बत से ब्लॉग की है भाई, ये देखो ना, देखो ना, ये देखो, इसको दाढ़ी भी नहीं चुपती है, ये देखो चुप रही है, चुप रही है, सब चुप। बताओ मम्मा को, बताओ मम्मा को कुछ झूठ नहीं है भाभी ने दूर करके भी बहुत बड़ा ही आ रहा है सर। बताए ना मम्मा थे आप, इतनी रात गए, कहाँ गए थे आप? मैं दोस्तों के पास था। तो जी अच्छा कहाँ गए थे? दोस्तों के पास था ना। तो ये टाइम देखा आपने? पहले पिज्जा भिजवाया तो है। कहाँ भिजवाया? कौन सा पिज्जा आपने भिजवाया? वो पिज्जेरियन से जो है। ये आपने भिजवाया? जी मैंने भिजवाया। इधर आपने अपना हाथ सुना है, क्या है? क्या है? क्या ये? कुछ नहीं है, क्या हुआ? ये मेरे सब्सक्राइबर्स को भी बताया मैं क्या सुन रही हूँ। क्या सुन रही? मुझे क्यों नहीं आ रहा कुछ इसमें? खुशबू आ रही है। वापस 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 नहीं कर रहे मैं, थक हो मैं, थक गया मैं। ये मुझे बताया एक दिन हम मैंने प्लान किया कि हम सहरी के बाद, फिर उसके बाद हम बहुत सारा घूमेंगे, सी व्यू जाएंगे, सनसेट देखें और सनराइज़ देखेंगे। सुबह तो सनराइज़ होता है ना, सनराइज़ देखेंगे, उसके बाद हम आराम से वहाँ बैठकबाजी करेंगे, फिर वापस आएंगे और फिर हम इफ्तारी सब करके घर आएंगे, शॉपिंग भी करके। वहाँ कहाँ जाएंगे हम? रोडों पे घूमते रहेंगे, बस घूमते रहेंगे रोडों पे। ये सजा है आपकी। अच्छा ठीक है, अब आ जाए आप पे। और बेगम मेरी तैयार हो रही है। हाँ बेगम आप तैयार हो रही है, कितना टाइम लगेगा आपको? हेलो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं गेम टाइम। चलो बेगम मेरी तैयार हो रही है, मैं भी रेडी हो जाऊँ, बेगम भी रेडी हो जाए, फिर हमें निकलना है। आज इफ्तार भी हमने बाहर करनी है, और आज है किसका इवेंट है भाई? जब दरक्षा का इवेंट है आज, बहुत मज़े का इवेंट है। आई होप सब कुछ अच्छे से हो, बस हम जल्दी से रेडी हों, हमें पहुँचना भी टाइम पर 6:10 हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट्स रहेंगे इफ्तार में, हमें फ़ौरन पहुँचना है। सो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं, आज बेगम और मैंने ट्विनिंग की है। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 6:30 बज गया, अब हमें निकलना है वरना दरक्षा बहुत गुस्सा करेगी, रुक जा रही हूँ अकेली वहाँ पे हुरैन के साथ। चलो अब हम निकलते हैं, ओके दिखाते हैं आज दरक्षा ने क्या किया है वहाँ पे। तो गाइस अभी हम सब निकल गए हैं और टाइम बहुत शॉर्ट है, हम सबको लेट हो गया है, दरक्षा खुद बहुत लेट थी, और अभी रास्ते से हमें पता चला है कि हमें 3-4 चीज़ें भी उठानी है, पार्टी पॉपर और ये सब उठाना है। तो जी देखते हैं, हमें नहीं मिला फॉइल बलून, नहीं मिला बस हमें पार्टी पॉपर ले लिया। देखते हैं कि क्या सा अरेंजमेंट है और क्या सीन है, क्या प्लानिंग की हुई, क्या अरेंजमेंट के लिए लग सी। हम आ चुके हैं स्काई डाइनिंग पे, और यहाँ आई गेस फोटो शूट चल रहा है, बेगम तैयार है फोटो शूट के लिए। और हेलो कैसी है आप? अरे सीधी खड़ी हो। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, बेगम भी आ चुकी है, और हम लोगों ने इफ्तार किया है खजूर से और शबरत एंड खजूर से, वाटरमेलन वाले तबरूज वाले शबरत से, और बस हमारा इफ्तार हो गया। और यार हटो ना, अरे हटो ना, हमारे काले हाथ आ रहे हैं, हटो।
तो अब पता नहीं हमें खाने को कब मिलेगा, भूखे बैठे रहेंगे। 8 बजे मुझे निकलना था, मेरी मीटिंग है और मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं टाइम पे जा सकूंगा। कैंसिल तो नहीं होगी, मैं 8:30 रख लूंगा, लेकिन सोने के चम्मच से खाना खाओ। ये वही वाले है कि बेटा तू सोने का चम्मच लेके मुँह में पैदा हुआ है। कमऑन यार, ये कौन सा सेंस है यार, सोने का चम्मच लेके मुँह में कौन पैदा होता है। मैंने इतनी ज़्यादा अफ्तारी कर ली है कि मैं अब सहरी करना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये आपने बहुत सारी अफ्तारी कर ली है। यार मुझे भूख लग रही है, कुछ खिला दे। हम सबको लग रही है, क्या करते हैं यार। तो देखो फ्राइज आए इतने सारे, अरे यार बंदा थोड़ा डालता है। फ्राइज ही इतने से इतनी देर में लाए यार, वाह। तो फाइनली खाना आया है, अल्लाह अल्लाह करके कढ़ाई और हांडी ले लो बाबा। कढ़ाई और हांडी मंगवाई है दीदी, सबकी कहानियाँ एक तरफ, हुरैन की कहानियाँ एक तरफ। शॉपर में डाल दीजिए पाँव, शॉपर में पाँव डाल दिया। खाएंगे अभी, खा लो पहले या सच में कर, हुरैन की वैसे हजार बार समझाया तुम, आपकी मम्मा आप मुझसे ना सुन ले, तमीज नाम की चीज है करो। क्या मसला क्या तुम्हारा, इधर देखो तुमसे बात कर रहा हूँ। तमीज नाम की चीज है तुम्हें, समझ क्या रखे तुमने। क्यों हंस रही हो, क्यों हंस रही हो, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कोई। अच्छा जुजू मेरी और आपकी लड़ाई पे कैसे खामोश हो जाती है, बिल्कुल सन्नाटा हो जाती है। सन्नाटा के पता नहीं क्या हो गया, शूट हो गया, मैं जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं जा रहे हैं, आप लोग एंजॉय करो। मेरे साथ वीडियो कौन बनाएगा, मैंने कौन सी वीडियो बनाई, चलो जल्दी से। और जी हमेशा की तरह महाद को कहीं मीटिंग में जाना है तो जा रहे हैं छोड़ के। और ये ट्रेन को ये सब लोगों ने मस्त किया हुआ, एंटरटेन किया हुआ। और चलो भाई मैं जा रहा हूँ, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला बेहतर करे। आमीन। सी यू गाइस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। लुक एट माय न्यू स्लिपर्स। ओके गाइस, हम यहाँ से हो गए फ्री और अब हम जा रहे हैं। अच्छे यहाँ पे सब चल रहे हैं तो मैं बंद कर दूँगा, कहीं कॉपीराइट ना आ जाए मेरे व्लॉग में। ये बाबा ने हुरैन की मैक्सी संभाली हुई है गाइस। हम आ गए हैं घर और महाद तो आप लोगों को पता ही है, वो मीटिंग में चले गए हैं, बिजनेसमैन, तो जी उनकी मीटिंग्स वगैरह हैं। और बाय द वे मैंने महाद की शर्ट पहनी थी, मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये मैंने, मुझे कुछ वाइट पहनना था और मैंने बाद में देखा यार मेरे पास तो कुछ खास वाइट है ही नहीं, तो आई थॉट मैं क्या करूँ। फिर मैं अलमारी में वैसे चेक करने लगी तो मुझे महाद की दो शर्ट्स दिखी, क्योंकि डीडी ने थोड़ी सी वाइट टाइप की थीम रखी थी, मुझे हाथ की दो शर्ट दिखी, उसमें मैंने एक महाद को बना दिया, खुद पहन ली। तो अभी ये है हुरैन, देख रही है कार्टून, मुझे थोड़ी सी अनबॉक्सिंग करनी है, तो अभी मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। अरे हाँ, आप लोगों से सवाल भी करना है, थोड़ी देर में सवाल पूछ के इंशाल्लाह फिर मैं व्लॉग एंड करती हूँ। ये कुछ PR पैकेजेज आए हुए हैं लेंसेज के, कुछ वहाँ PR पैकेजेज आए हुए हैं। ये हुरैन की साहिबा जो है ये कार्टून कुछ लगा के गई थी और ये जो है अब कुछ चल नहीं रहा है बस, और मोबाइल मेरा चार्ज पे लगा हुआ है, ये यहाँ पे मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ है, ऐसी बस चलती रहती है ज़िंदगी, व्लॉगिंग चार्जिंग सब इसी तरह से चलता रहता है। और कमरा इतना फैला हुआ था लिटरली, अभी मैंने थोड़ा सा कमरा समेटा, अभी भी फैलावा ही हो रहा है, लेकिन जो है ना बस अब मेरी बस हो गई थी, मैंने कहा बस अब मैं लेट रही हूँ क्योंकि अभी, और कल मेरा पेपर भी है, 10:30 हो गया पढ़ा मैंने, कुछ नहीं है और पता नहीं क्या करूँगी मैं। तो आज का आप लोगों का सवाल ये है कि वो कौन सी मस्जिदें हैं जिनका जिक्र जो है वो कुरान पाक में किया गया है, ठीक है जी।
तो आप लोगों को जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह चांद रात वाले दिन हम करेंगे कुरान दाजी, और अगर किसी ने व्लॉग नहीं देखा है हमारा शुरू से, तो हम कर रहे हैं फर्स्ट रोजे से कुरान दाजी, आई मीन हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें हम कहते हैं कि आप लोग जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में, और हम उस जवाब को देख कर कि आपने हर सवाल का जवाब दिया है कि नहीं दिया, हम डालेंगे आपका नाम कुरान दाजी में, और इंशाल्लाह जो भी लकी विनर होगा वो तो आप लोग के सामने होगा, कुरान दाजी हम लाइव करेंगे। ठीक है जी, तो अभी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए और रोज़े अच्छे से गुजारिए, और बस अल्लाह हाफिज़।